नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गोठेगांव में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में प्रशासनिक ढील के चलते पिछले कुछ दिनों से कई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। इसमें कुछ तो खुलेआम व्यापार कर रहे हैं, वहीं कुछ व्यापारी एक हद तक प्रशासन का लिहाज करते हुए सामने से तो दुकान बंद रखते हैं, लेकिन पास या पिछले दरवाजे से जमकर रुपया कमाने के लालच में व्यापार कर रहे हैं। सोमवार को ऐसे ही लापरवाह लालची दुकानदारों को कानून के दायरे में लाने के लिए पुलिस, राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सड़कों पर उतर कर कार्रवाई की। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले इन गैर जिम्मेदार दुकानदारों को प्रशासन के द्वारा सोमवार को सख्त चेतावनी जारी की गई है। कार्रवाई के दौरान 5 दुकानों को सील कर तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण बनाए गए। वहीं बेवजह सड़कों पर घूम रहे और बगैर मास्क लगाए करीब दर्जन भर लोगों से जुर्माना वसूला गया। प्रशासन से मुंहचोरी करने वाले कुछ लापरवाह लोगों को थाने पर ले जाकर जमकर कार्रवाई की गई। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण में सभी को अपना व्यापार बंद करने की और स्वयं की, परिजनों की और समाज के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई और कहा कि यदि आपने ऐसे समय दुकान खोलकर व्यापार करके रुपया भी कमा लिया तो भगवान ना करे यदि आपको या परिजनों को कोरोना संक्रमण हो गया तब ये रुपया भी आपके काम नहीं आने वाला है। इसलिए सभी जनों को नियमों का पालन करते हुए स्वयं हित, परिवार हित और जनहित में अपना व्यापार बंद रखकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। वहीं नगर प्रशासन से अब लगातार ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की दरकार है। प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद भी सड़कों पर लोगों की तफरी चालू है, बगैर मास्क के घूम रहे हैं, क्या कार्रवाई है? इसके लिए पुलिस प्रशासन नगर पालिका के द्वारा नियमित रूप से भ्रमण किया जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। चूँकि कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है तो उन आवश्यक सेवाओं के छूट का लाभ लेकर अन्य लोग भी बाहर निकलते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। सर, कोविड सेकंड की लहर तेज है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं गोटेगांव का खासकर दुकानदार बहुत लापरवाह रवैया अपना रहा है, दुकानों के अंदर से ग्राहकी चला रहा है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो दुकान खुली पाई जाएगी उसके खिलाफ धारा 188 के तहत हम कार्रवाई करेंगे। हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, वो अपने घर लोगों के दुकान के साथ में उनके घर भी हैं तो वो कई बार उसकी आड़ में वो कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं, लेकिन अगर दुकान खुली होना और ग्राहकी करना पाया जाएगा तो हम डेफिनेटली उनके खिलाफ गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। प्रशासन अपने स्तर पर लगातार ऐसे दुकानदारों को चेतावनी दे रहा है, इसके बावजूद भी आखिर दुकानदारों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही? आखिर वो आम जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या दुकानदारों को क्यों समझ में नहीं आ रही है, दुकानदारों से भी पूछ लीजिए आप। मेरे ख्याल से लोग लापरवाही जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।